कांग्रेस सेवा दल की ओर से देश भर में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। इसी के तहत प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की ओर से राजस्थान में भी आंदोलन को तेज किया जा रहा है। गांधीवादी तरीके से किए जा रहे इस आंदोलन में प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने केंद्र सरकार को घेरते हुए प्रदर्शन किया और शहीद स्मारक पर एकत्रित होकर मोदी सरकार की सद्बुद्धि के लिए रामधुनी कार्यक्रम रखा। सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई, प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह, प्रदेश के सभी जिलों के जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ता उपस्थित इस दौरान रहे। लालजी देसाई ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार शिक्षा का बाजारीकरण करने का कार्य कर रही है। नई शिक्षा नीति में आरएसएस की विचारधारा को थोपने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस भाजपा के इन मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी और आंदोलन को तेज किया जाएगा। और शुरुआत करते हैं जो खास करके राइट टू एजुकेशन के मुद्दे पर लड़ने वाले जो संगठन थे, उस संगठन के सभी साथी मिलकर इस नीति के बारे में दो दिन से अध्ययन करके जो चीजें निकाल कर आए कि हर चीज के लिए लड़ना जरूरी नहीं होता है। जब अगर सब कुछ ठीक हो, जब कुछ चीजें गलत हो तभी लड़ने की जरूरत होती है। और खास करके मैं ये कहूँगा कि जो नई शिक्षा की जो नीति है वो एक तरीके से हमारे देश की जो राइट टू एजुकेशन का जो हमारा कानून था उसको कमजोर करने की ये पॉलिसी है। जिला परिषद अलवर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जसमीत सिंह संधू ने किशनगढ़ बास क्षेत्र का दौरा किया। यहां ब्रासकृपाल नगर में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय स्कूल में 3 कोरोना के मरीजों के मिलने के बाद बनाए गए क्वारंटीन सेंटर का औचक निरीक्षण किया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मरीजों से रूबरू होकर उनके नियमित चिकित्सकीय जांच, भोजन, पानी, नाश्ता आदि की जानकारी जुटाई। तो वहीं सेंटर पर नियुक्त किए कर्मचारियों की अनुपस्थिति को लेकर तहसीलदार पुष्पेंद्र देशवाल को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी उन्होंने दिए। तो वहीं बांदीकुई के बीएन जोशी स्कूल में बीएसटीसी परीक्षा का आयोजन हुआ, जहां स्टूडेंट्स और परिजनों की उमड़ी भीड़ के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। आपको बता दें कि स्कूल में 496 बच्चों का सेंटर है, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ उनके परिजनों के आने से स्कूल परिसर के बाहर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि एग्जाम परिसर में मास्क लगाना अनिवार्य था, साथ ही स्टूडेंट्स की स्क्रीनिंग भी की गई। कोरोना संक्रमण के चलते इस वक्त स्कूल और शिक्षण संस्थान बंद हैं। ऐसे में नो स्कूल नो फीस अभियान के तहत अभिभावक संघ की ओर से प्रदेश भर में बंद का आह्वान किया था। अभिभावक संघ ने प्रदेश सहित जयपुर के प्रमुख व्यापार संघ, सामाजिक संस्थानों से मंगलवार सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक स्वैच्छिक बंद का आह्वान किया था, लेकिन अभिभावकों के आह्वान का असर जयपुर के परकोटा क्षेत्र में कुछ खास दिखाई नहीं दिया, लेकिन छोटवाड़ा, वैशाली नगर सहित कई बाजार आंशिक रूप से बंद रहे। इसको लेकर अभिभावक संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश के अभिभावक निजी स्कूलों की मनमानी से परेशान हैं। यदि सरकार निजी स्कूल संचालकों को नो फीस नो स्कूल के तहत बाध्य नहीं करेगी तब तक आंदोलन को और अधिक तेज किया जाएगा। पढ़ते हैं वहाँ पे हम प्रिंसिपल से पर्सनली मिल के आए थे, 20-25 लोग थे, हम लोग प्रिंसिपल से पर्सनली मिले और उनको बोला कि अभी हमारा रोजगार नहीं है। जैसे मेरे हस्बैंड है तो उनको 3 महीने की सैलरी नहीं मिली और अब जो सैलरी मिल रही है उनको वो भी एकदम आधी से भी कम हो गई। हमारी इनकम नहीं हो रही तो हम आपको फीस कैसे पे कर देंगे। तो हमने उनसे बोला कि आप हमारे इतनी तो करिए कि कुछ तो अमाउंट हमारा या तो कम कर दीजिए और जो 3 महीने का लॉकडाउन पीरियड था वो हमारा कर दो। स्कूलों के द्वारा आज इस कोरोना काल में हर अभिभावक पीड़ित है, वो भले व्यापारी हो, वो फुटपाती व्यापारी हो, वो उद्योगपति हो, वो फैक्ट्री मालिक हो, वो दुकानदार हो और वो भले स्कूल वाले हो, मैं ये नहीं कह रहा, पीड़ित सब हैं। हमें एक दूसरे को अपनी पीड़ा को समझना होगा। प्रकृति ने हमें जो उपहार दिया इम्यूनिटी और ह्यूमैनिटी, इन दोनों को देखते हुए हमें ह्यूमैनिटी मानवता के नाते स्कूल वालों को अभिभावकों की पीड़ा को समझना होगा। और हमने जो कोरोना काल में स्कूलें बंद रही है उसकी जो फीस माफ़ी की रियायत मांगी है
राज्य सरकार और स्कूल संचालक दोनों को मिलकर इसको दूर करना होगा। भीलवाड़ा में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वो भगवान के घर को भी नहीं बख्श रहे। ऐसा ही एक मामला मांडल रोड के 50 साल पुराने बालाजी मंदिर में देखने को मिला। मंदिर को भूमाफियाओं ने जेसीबी चलाकर क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके विरोध में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने मंदिर तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं की जाती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। चलिए फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।